रूस और यूक्रेन की जंग अब एक बार फिर से अपने फुल फॉर्म में लौट आई है। दो सालों से जारी इस जंग ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी रूसी सेना यूक्रेन पर भारी पड़ी तो कभी यूक्रेनी सेना ने रूसियों के दांत खट्टे किए। जंग में बीतते समय के साथ यूक्रेन को कई ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा जब ऐसा लगा कि पुतिन अपनी कसम पूरी कर लेंगे। लेकिन बीतते समय के साथ अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश एक बार फिर जेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं। इसी कड़ी में काला सागर पर अमेरिकी ड्रोन साय की तरह मंडरा रहा है। इसी को देखते हुए रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी सख्त चेतावनी जारी की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने काले सागर पर अमेरिकी ड्रोन की गतिविधि में लगातार तेजी देखी गई है और ये उड़ानें प्रत्यक्ष टकराव को बढ़ावा दे सकती हैं। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी ड्रोन अभियानों की तीव्रता में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बारे में कहा है और उन पर यूक्रेनी सेना की सहायता के लिए खुफिया जानकारी और एक मिशन चलाने का आरोप लगाया। यही वजह है कि पुतिन अमेरिका और नेटो देशों से खार खाए बैठे हैं और काला सागर में अमेरिका के इस हरकत से या यूक्रेन में संघर्ष में कीव शासन की ओर से अमेरिका और अन्य नाटो देशों की बढ़ती भागीदारी को भी दर्शाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगर यूक्रेन की मदद ऐसे ही जारी रही तो जल्द ही नेटो और रूस आमने सामने हो सकते हैं। और इसी कड़ी में रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ को काला सागर पर अमेरिकी ड्रोन अभियानों का जवाब देने के लिए एक योजना प्रस्तावित करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने काला सागर के ऊपर अमेरिकी रणनीतिक ड्रोन उड़ानों की आवृत्ति में वृद्धि पर प्रकाश डाला जो टोही कर रहे हैं और पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेनी बलों की आपूर्ति किए गए उच्च सटीक हथियारों को लक्ष्य भी कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा इन ड्रोन उड़ानों से रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के विमानों से जुड़ी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है जिससे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और रूस के बीच सीधे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। रूस अंतर्राष्ट्रीय जल और हवाई क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की निरंतर ड्रोन उड़ानों के जवाब में जवाबी उपाय तैयार कर रहा है जिससे वह एक महत्वपूर्ण खतरा मानता है। रूसी विशेषज्ञों के मुताबिक रूस लड़ाकू जेट और वायु रक्षा प्रणाली तैनात कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका यूक्रेन को करीब 22.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता भेजने की बात कही है। इस नए पैकेज में हथियारों और गोला बारूद की मदद भी शामिल है। इन हथियारों का इस्तेमाल कीव की सेना रूस के अंदर मौजूद खतरों से निपटने के लिए कर सकती है ताकि खार्किव शहर को भारी रूसी हमले से बचाया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल के समय में रूस ने अब तक यूक्रेन के क्षेत्र के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया है जिसमें क्रीमिया, डोनेस्क, लुहानसक, ज़ापोरिज़्या और खेरसान शामिल है। वहीं अगर पुतिन की धमकियां और अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के लगातार यूक्रेन को दी जा रही मदद को देखा जाए तो वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब ये दुनिया एक महाविनाश का साक्षी बनेगी।